स्टडी 91 के जीएस के इस टेस्ट सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के लिए आपके लिए पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने का रहा है कि निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंध थे। फिर से आपको बताना दोस्तों कि 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग से कौन संबंधित थे। ऑप्शन नंबर एक जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी है आचार्य नरेंद्र देव और ऑप्शन नंबर फोर है क्या है डी यानी फोर जय प्रकाश नारायण। तो आपको पता होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दो लोगों ने मिलकर के नवंबर 1928 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया था। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यह पढ़ाया गया क्वेश्चन है। मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए मैंने सब कुछ पढ़ा दिया हूं और जो लोग देखे होंगे अब उनका ये रिवीजन पैक चल रहा होगा, धीरे धीरे वो एक्सपर्ट भी हो जाएंगे। करा वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था। फिर से सुनिए, 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था। तो पटना से कौन बिलोंग करते थे, जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी ये करने में आगे थे और याद रखें 1934 की घटना है। ठीक है, और इसके लिए कौन थे, जयप्रकाश नारायण ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे चल के दोस्तों फिर रूस और चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, वो भी यहां पर आ जाती है और धीरे धीरे कम्युनिस्टों की सरकार भी बनती है। आगे देखते हैं, करा दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। आपको बताना है दिल्ली में किसकी एंट्री पर उसके ऊपर बम फेंका गया था, करजन की एंट्री पर, मेयो पर, मिंटो पर या लॉर्ड हार्डिंग पर। तो आपको याद आ रहा होगा दोस्तों 1911 में राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया गया था और यह घोषणा लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, और 1912 में जब राजधानी बन गई दिल्ली तो वो दिल्ली आ रहे थे। ठीक है, तो याद रखें जिस समय दिल्ली आ रहे थे उसी समय उनकी गाड़ी पर बम फेंका गया था जिसमें वो घायल भी हो गए थे, और जो महावत था उस फिलहाल हाथी पर बैठे थे, महावत जो था वो मारा गया था और वो हाथी से गिरने के बावजूद केवल घायल हुए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। आगे बढ़ते हैं, करा अरविंद घोष ने लिखा है कौन सी इसमें पत्रिका ऐसी है, पत्र ऐसा है, रचना है जो अरविंद घोष जी के द्वारा लिखा गया है। तो करा एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, मॉडरेट मूवमेंट, केसरी या द डिवाइन लाइफ। तो याद रखिए द डिवाइन लाइफ दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, यह आपके अरविंद घोष जी के द्वारा लिखा गया है। शुरुआत में अरविंद घोष जी क्या थे, गरम दल के नेता थे, लेकिन बाद में उनका झुकाव किस तरफ हो गया, धर्म दल की तरफ हो गया और अंततः वह एक संत और महात्मा के रूप में निकले। ठीक है, और याद रखिएगा उसी समय उन्होंने किताब लिखा है डिवाइन लाइफ। ठीक है, तो डिवाइन लाइफ याद रखिए, द डिवाइन लाइफ दोनों ही सही होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। और आगे चल के उन्होंने अपने स्थापना कहाँ बनाया था, पांडिचेरी में बनाया था जिसको अब पुदुचेरी कहा जाता है। पांडिचेरी में एक जगह है ओरविलो, ठीक है, ओरविलो में उन्होंने अपने आश्रम को स्थापित किया था, ये भी आपसे पूछता है। आगे बढ़ते हैं, करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था या बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। तो दोस्तों ये किसने कहा था, याद रखेगा बी सी पाल, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल ने कहा था, याचना संस्था कहा था, बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था, ठीक है, ये सब कहा था। इसके अलावा भी कई लोगों का नाम आता है, जैसे अश्विनी कुमार दत्त का नाम आता है, उन्होंने कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा कहा था, कांग्रेस जो सम्मेलन होता है 3 दिन का तमाशा है। ठीक है, इस तरह से, इसी तरह दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी का भी कमेंट आया था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये कथन किसका है, बाल गंगाधर तिलक का। तो फिलहाल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, बी सी पाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, करा निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। खिलाफत आंदोलन वही है जिसमें महात्मा गांधी जी आगे बढ़ के मुस्लिम लोगों का साथ दिए थे। खिलाफत आंदोलन में कौन आगे नहीं आया था, कौन समर्थन नहीं किया था, तो याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय, ठीक है, महामना मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है, याद रखिए ये खिलाफत आंदोलन के सपोर्टर में नहीं थे, बाकी सभी लोग थे सपोर्ट में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करा है, एक सेकेंड, हाँ आगे बढ़ते हैं, आगे दे रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का केंद्र गुजरात में स्थित है, और ये कहाँ पर स्थित है, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का केंद्र, बड़े इत्मीनान से सोच कर और समझ के उत्तर दीजिएगा। ठीक है, जहाज तोड़ने का, तो याद रखें दोस्तों ये अलंग में स्थित है, कहाँ पर, अलंग में, ये गुजरात के पास ही पड़ता है अलंग, ठीक है, खंभात की खाड़ी के निकट है, वहाँ पर भावनगर जिले में आता है, और ये भारत का ही नहीं अपितु एशिया का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का केंद्र है। ठीक है, जहाज बनने का केंद्र आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर याद रखिए जहाज तोड़ने का केंद्र है, और कई पर्यावरणविद भी यहां पर आंदोलन करते रहते हैं क्योंकि जहाज तोड़ने से यहां पर जो मलबा होता है वो इकट्ठा होता है और प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल रहा है, इस वजह से पर्यावरणविद जो है वो बहुत नाराज हैं। तो अलंग याद रखेगा, अलंग कहां पर है, ये गुजरात में स्थित है भावनगर में, ठीक है, खंभात की खाड़ी के निकट। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं निम्न में से किसे आप कायंत्रित चट्टानों से संबंधित करेंगे। ये क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है और मुझे नहीं लगता कि इसका उत्तर आप सभी दे पाएंगे। कायंत्रित चट्टान से कौन सा संबंधित आपको बताना है, और कायंत्रित चट्टाने अवसादी चट्टानों के बाद
सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं भारत में, जिसमें कायंतरण के कारण नवीन खनिज तैयार होते हैं। और वो नए खनिज कौन कौन से, उसका नाम बताना है। अब तो बता दो नवीन खनिज कौन सा लग रहा है। तांबा तो पुराना हम लोग सुने हैं, मैगनीज पायरेट सब सुने हैं, इसमें नया हमारे लिए तांबड़ा, तांबड़ा ठीक है, या गार्नेट। तो याद रखिए आपका राइट उत्तर हो जाएगा गार्नेट को ही तांबड़ा कहा जाता है, या स्टोर लाइट भी इसका उदाहरण में आ सकता है। स्टोर लाइट आ गया ठीक है, फेरी क्रॉस हो गया ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कायंत्री चट्टानों से संबंधित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टार्नेडो से संबंध करेंगे, बताइए टार्नेडो से कौन सा संबंधित इसमें। कह रहा है मैक्सिको की खाड़ी। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि टार्नेडो आता कहाँ पर है, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा तब तो आप कर लोगे ठीक है। तो कह रहा है मैक्सिको की खाड़ी, चीन सागर, हिंद महासागर या फिर यूएसए यानी अमेरिका ठीक है। तो टार्नेडो क्या है दोस्तों, एक तरह का समुद्री तूफान है जो कि अक्सर देखा जाता है मैक्सिको की खाड़ी में। कहाँ पर? मैक्सिको की खाड़ी में देखा जाता है। मैक्सिको की आप लोग लोकेशन जान ही रहे होंगे, अमेरिका जो अमेरिका के ठीक नीचे, ये मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको के पूरब में देखेंगे तो आपको कैरेबियन सागर भी मिलेगा ठीक है। तो याद रखेगा ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, करण निम्न में से कौन सा एक शीतल जलधारा नहीं है। दोस्तों जलधारा में दो जलधाराएं होती हैं, गर्म होती है, एक शीतल यानी ठंडी होती है, और आपसे पूछ रहा है कौन सी शीतल नहीं है। तो सीधे फिर बताओ कौन सी गर्म जलधारा है, या चलो ऐसी बात कर लेते हैं कैलिफोर्निया, ठीक कैलिफोर्निया ये तो ठंडी जलधारा होती है ठीक है। लैब्रो हैब्रो ये भी ठंडी है, फॉकलैंड भी ठंडी है, यहाँ पर जापानी करंट जो दे रहा है दोस्तों, जापानी जलधारा ठीक है, ये क्यूरेसियो की जलधारा के नाम से भी जानी जाती है, और गल्फ स्ट्रीम के समान ये गर्म होती है। याद रखिएगा जापानी जलधारा क्या है, ये गर्म होती है, जिस तरह से क्यूरेसियो है वो भी जापान के पश्चिमी तट पर बहता है, उसी तरह से क्यूरेसियो ये, और उसी तरह से ये भी है जापानी जलधारा, उसी की तरह से गर्म जलधारा है ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक है। तो दोस्तों नए राज्यों के बारे में किस भाग में बताया गया, भाग एक में, तो उसके लिए अनुसूची एक भी बताया गया। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या, प्रथम अनुसूची, क्योंकि प्रथम अनुसूची के माध्यम से ही नए राज्यों का सृजन किया जा सकता है, नाम बदला जा सकता है, कुछ भी करिए सब प्रथम अनुसूची में। कह रहा विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना, ये संविधान की सातवीं अनुसूची में किसके अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ाया गया है ठीक है। याद दोस्तों ये आता है समवर्ती सूची में, कहां पर आता है, समवर्ती सूची में। अगर आपको एक से अधिक विवाह करना है या संयुक्त परिवार का विभाजन है, तो इस तरह के जो मामले आते हैं, वसीयत वाले मामले आ गए, उत्तराधिकार पत्र वाले मामले आ गए, नाबालिग बच्चों को गोद लेने की बात आ गई, तो ये सब जो है समवर्ती सूची में वर्णित किया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। करा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है, इत्मीनान से सोच के बताइए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है ठीक है। पहला करा गरीबों हेतु बीमा, दूसरा करा अति गरीबी हेतु वृद्ध पेंशन, तीसरा कह रहा है कि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को वित्तीय सहायता, और चौथा दे रहा है कि उपर्युक्त सभी। तो ऐसा नहीं कि जहां भी दे देगा उपर्युक्त सभी आप सर्च कर दोगे, ये गलत हो जाएगा ठीक है। याद रखिए जो अति गरीब है, जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, उन्हें, उन लोगों के लिए वृद्धावस्था में पेंशन का जो प्रोग्राम है, ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम के तहत चलता था। बहुत पुराना क्वेश्चन है, अरे शुरुआत में इंदिरा गांधी जी के समय में आया था इस तरह का प्रोग्राम ठीक है। इंदिरा गांधी के समय से इस तरह का प्रोग्राम चल रहा है, उनके समय से शुरुआत हुआ था ठीक है। गरीबों की बीमा योजना उनके समय में हुआ, अति गरीबी होती, इंदिरा गांधी ने वृद्धा पेंशन शुरू किया ठीक है, इस तरह से सारा चीज आया था। लेकिन ये जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम है, ये 1995 में आया था। 1995 में बहुत बहुत बड़ा काम हुआ था, बताइए क्या, मिड डे मील की शुरुआत हुई थी। कई बार एग्जाम में पूछता मिड डे मील की शुरुआत कब हुई, तो 1995 याद रखेगा। तरह जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है, बताइए। कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, ये तो रहेगा ही रहेगा। बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, ये भी सही है। ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करना, ये भी सही है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही हो जाएगा ठीक है। जवाहर रोजगार योजना का ये उद्देश्य था। आगे देखिए, कह रहा है निम्न को सम्मिलित करना है और आपको बताना है किससे क्या मापा जाता है ठीक है। चलिए आसान है बहुत, जैसे रिक्टर, रिक्टर स्केल में क्या होता है दोस्तों, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। बाइट, बाइट जो होता है दोस्तों, इससे कंप्यूटर में होता है, बिट और बाइट का इस्तेमाल करते हैं ठीक है। और बार, बार में क्या होता है, बार से दाब को मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब को। और क्यूसेक जो होता है, ये नदियों के जल प्रवाह की तीव्रता को मापा जाता है क्यूसेक में ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मैच कर दिया, बाकी आप खुद से देख लीजिएगा। कह रहा है कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन शीतलक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शीतलक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, इत्मीनान से बताइएगा। कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का इस्तेमाल नहीं होता है। हैवी वाटर का देखिए इस्तेमाल एक प्रकार के लिए हो सकता है ठीक है, जिसको आप D2O बोलते हैं, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड ठीक है। याद रखिए ये बोल सकते हो, समुद्री जल का भी नहीं होता है, गलित सोडियम भी होता है ठीक है। तो ये होता है, तो याद रखें फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में जो कि कल्पक्कम में शीतलन
के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर गलित सोडियम का। किसका इस्तेमाल करते हैं? गलित सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गलित सोडियम को दोस्तों कूलेंट के नाम से भी जानते हैं, कूलेंट भी कहा जाता है, ये भी याद रखिए। जबकि जो भारी पानी है ठीक है उसको याद रखिए उसको मंदक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, शीतलक नहीं। इसलिए मैं इसको दो अलग कर दिया क्योंकि ये दोनों का इस्तेमाल ही रिएक्टर में होता है ठीक है, नाभिक रिएक्टर में। तो याद रखिए D2O का इस्तेमाल मंदक में के रूप में किया जाता है और शीतलक के रूप में ठंडे करने के लिए किसका के? देखो प्रक्रिया को स्लो करना मंदक कहलाता है, प्रक्रिया को ठंडा करना शीतलक कहलाता है। तो कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है या गलित सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है शीतलक के रूप में ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करा कृत्रिम प्रकाश। अगर आपको किसी पौधे को कृत्रिम प्रकाश मिल रहा है तो क्या यह प्रकाश संश्लेषण कर सकता है? जी हाँ, प्रकाश कैसा भी हो सजीवों के लिए केवल प्रकाश की जरूरत है। प्रकाश मतलब होता है प्रकाशी ऊर्जा, और प्रकाशी ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो उसमें डिपेंड नहीं करता कि ये ऊर्जा सूर्य से मिल रही है या ये ऊर्जा किसी बल्ब से मिल रही है, दोनों ही कंडीशन में काम कर सकते हैं ठीक है। तो याद रखिए प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। आगे देखिए, करा निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है? कितने बार क्वेश्चन है पढ़ा चुका हूँ ठीक है। सबसे ज़्यादा तांबा किसमें है? तो याद रखिए कांसे में होता है, इसीलिए तो कांस्यगीन सभ्यता हुआ करती थी याद है। तो याद रखिए उस जमाने में तांबा भी बहुत ज़्यादा था, ताम्रगिन काल और फिर कांस्यगीन ठीक है। तो तांबा कांसा को कन्वर्ट करके आप देख सकते हैं, मतलब मैच करके आप पढ़ सकते हैं। करा प्रत्यक्ष ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों उसको कहा जाता है स्नायु। क्या बोलते हैं? स्नायु, या इसको लिगमेंट भी कहा जाता है ठीक है। याद रखिए ऐसे आपके शरीर में से बहुत सारी हड्डियां होती है, जब दो हड्डियां आपस में ज्वाइंट होती है ना तो वहां पर देखिए स्नायु जो होता है वो जकड़ करके मजबूती के साथ हड्डियों को पकड़े रहता है ठीक है। आगे देखते हैं, कर निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़ करके। किसको छोड़ करके? और बाकी बीमारियों का कारण वायरस है। पीलिया भी दोस्तों एक वायरस की वजह से फैलता है, आपको पता होगा। इन्फ्लुएंजा भी वायरस से होता है, गलसुआ भी वायरस से होता है, लेकिन आंत्र ज्वर जो दे रहा है दोस्तों आंत्र ज्वर ये नहीं होगा, क्योंकि आंत्र ज्वर को बोलते हैं टाइफाइड। क्या बोला जाता है? ये कुछ और नहीं, ये टाइफाइड को ही बोला जाता है ठीक है। और टाइफाइड जो होता है दोस्तों ये जीवाणु से फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है, ना कि किसी वायरस से ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, करा सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान किससे संबंधित है आपको ये बताना है ठीक है। करा कि 3 से 10, अब 3 साल का बच्चा कहाँ जाएगा कुछ पढ़ने है कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपको देखकर ही लग जाएगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करना, ये सर्व शिक्षा अभियान की योजना थी। अच्छा एक क्वेश्चन और जवाब दीजिए आप हमको इसका कि सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? तो याद रखिएगा दोस्तों ये 2001 में आया था। सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? 2001 से चल रहा है सर्व शिक्षा अभियान ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है बहुजन समाजवादी पार्टी ठीक है, बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे ये आपको बताना है, बहुजन समाज के ठीक है, पार्टी नहीं मैं समाज का पूछ रहा हूँ, बहुजन समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो जाने याद रखिए V.R. शिंदे को कहा जाता है, पूरा नाम था विट्ठल रामजी शिंदे, V.R. शिंदे को कहा जाता है बहुजन समाज का संस्थापक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा ठीक है, आपके लिए नया है। अगर आप आपके सामने क्वेश्चन आया तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर ही टिक करेंगे, शिंदे को नहीं टिक करेंगे, लेकिन शिंदे याद रखेगा। करा भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है ये कहाँ से मिले हैं ठीक है? करा कोल्डिवा से, लहुरादेव से, मेहरगढ़ से, टोकवा से। तो भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहा है तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं मेहरगढ़ को, किसको? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, कृषि के प्रमाण मिले हैं, और चावल वगैरह का अलग से पूछता तो लहुरादेव आप यहाँ पर बोल सकते थे, बट कृषि का पूछा है इस वजह से कहाँ पर हो जाएगा? मेहरगढ़। करा गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक के नामोल्लेख हुआ, मतलब उसके नाम का उल्लेख हुआ है, यह गुर्जरा का शिलालेख कहां पर स्थित है ठीक है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में, मध्य प्रदेश के दतिया में, राजस्थान के जयपुर में, बिहार के चंपारण में। तो याद रखिए दोस्तों मध्य प्रदेश के दतिया जिले में गुर्जरा लघु शिलालेख मिला है जहां पर इसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा दक्षिण भारत में मास्की मिला है वहां पर भी मिलता है ठीक है, ये दोनों ही अभिलेख ऐसे हैं दोस्तों जहां पर अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति कौन सा अभिलेख जो है समर्पित है? धार्मिक सहिष्णुता के लिए कौन सा समर्पित है? तो याद रखिए 12वां और 13वें में लड़ाई दिया हुआ ठीक है। तो 12वां जो है ये धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताता है, अशोक की धार्मिक नीति के बारे में, और 13वें में दोस्तों कलिंग युद्ध का वर्णन है, ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन की सीरीज समाप्त होती है, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। देखिए आजकल हम लोग स्पीड में थोड़ा कवर कर रहे थे, और आज के बाद जो आपकी टेस्ट सीरीज आएगी वो आपके लिए थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन में लेके आऊँगा, और कठिन क्वेश्चन लेके आऊँगा ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को आप जरूर शेयर करेंगे। जो लोग नए भाई बंधु हैं वो ध्यान देंगे, यहां पर सभी विषयों की डिटेल में क्लासेस दी जाती है, और पुराने टेस्ट सीरीज आप खोल कर देखो जहां डिटेल में भी पढ़ाया भी गया ठीक है। आजकल हम पुराने क्वेश्चन पे रिवीजन कर रहे हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं ठीक है। चलिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आगे से याद रखिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।